हिम्मत नहीं। रात को मैं सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा था, बाहर से कुछ बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये कह रहे हैं कि अगर 35 ए आर्टिकल टूटता है तो हम कश्मीर को एक दिन में फलस्तीन बना देंगे। अरे किसी मायने वो लाल नहीं चला जो कश्मीर को फलस्तीन बना। जब तक 35 ए बरकरार है, मिस्टर नरेंद्र मोदी तुम भी अपनी जगह पे सेफ हो, हम भी सेफ हैं। तुम्हें शक है कि कश्मीरी ऐसे हैं वैसे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कश्मीर की धरती है, ये बंजर होकर भी बुजदिल और हिजड़े पैदा नहीं करती। और कश्मीरी मर्द है कहाँ पे? तुम्हें आजमाना है, आजमा लो। तुम्हें हमारी कुर्बानियां, हमारी लड़ाई याद नहीं? जब कारगिल की वार हुई तो तुम्हारी सभी फोर्सेस जब थक गई तो जम्मू एंड कश्मीर तो जैक लाई थी, बारह जैक लाई गोलियां खाई। उसके बाद आज तुम लोग कारगिल को अपने साथ देख रहे हो। अगर ये नहीं होते तो मिस्टर नरेंद्र मोदी तू भी नहीं होता। ये बातें सुन के भाई लोगों ने कहा, पहले बीजेपी भी रही, बजरंग दल थी, कांग्रेस थी, कोई हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कोई भी मंत्री रहा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुमने 35A के साथ छेड़छाड़ नहीं की हम खामोश थे। आज तुमने हमारे जज्बात को ललकारा है तो मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। 35A खुदा ना हंसता, लाख बार करोड़ बार खुदा ना हंसता, पहले तो ये हटेगा नहीं। अगर हटेगा तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ये मत सोच कि तू हमें मारने की धमकी देगा, तू फांसी से डराएगा, हम डरेंगे नहीं। ये शक है, ये मरने के लिए तैयार है, हाथ नहीं देंगे, गर्दन दे देंगे। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन से ये कहा कि शरीयत का हाथ दो, हुसैन ने कहा हाथ नाना का, गर्दन मेरी। आपने जज्बाती तकरीर सुनी, इसने जो कुछ कहा 100% सही है। सबके दिल में जज्बात है, सबके दिल में जज्बात है। मैं इन हजरात को कहता हूँ कि ये दो मिनट के लिए